सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कल से काफ़ी कॉल्स किए थे और मेरे को बोला कि सर, शक्ति पांडे सर को बोलो कि PIL फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में क्लास 9th और 11th के ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग। तो गाइज, मैंने आज मॉर्निंग में अभी थोड़ी देर पहले ही शक्ति पांडे सर से बात करी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्यों वो अभी PIL फाइल नहीं कर सकते। देखो गाइज, मैं आप सभी को पहले ये बताना चाहूँगा कि PIL फाइल करने के लिए आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगेंस्ट में CBSE के, जो कि CBSE ने अभी तक कोई दिया नहीं है। दूसरी बात गाइज, अगर PIL CBSE पे डायरेक्टली फाइल करना चाहते हो आप सभी, तो आपके पेरेंट्स की रिटर्न नोट चाहिए। एक दो पेरेंट्स से कुछ नहीं होगा, लगभग 30+ पेरेंट्स चाहिए जिनका रिटर्न लेटर पर सिग्नेचर हो, वो सपोर्ट करे शक्ति पांडे सर को। तो शक्ति पांडे सर का कहना था ये दोनों ही रिक्वायरमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात, शक्ति पांडे सर ने ये बोला कि अगर हम बच्चों के बिहाफ पे PIL फाइल कर देते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि हम केस हार जाएंगे, और अगर केस हार गए तो बच्चों को काफ़ी लॉस होगा। लॉस ये होगा कि गाइस, जिन बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उनके भी ऑफलाइन होंगे। CBSE ऑफिशियली नोटिस जारी कर देगा कि सभी को ऑफलाइन देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने ये बात कह दी है, क्योंकि अगर केस हारेंगे तो ऑफलाइन मोड एग्जाम हर जगह करवाने का ऑर्डर कोर्ट दे देगा, और अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया तो बच्चों को काफ़ी लॉस हो जाएगा। जहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उनके भी ऑफलाइन हो जाएगी, जहाँ पर डायरेक्ट प्रमोशन मिल गया बच्चों को उनके भी ऑफलाइन एग्जाम हो जाएगी, और स्कूल पे एक प्रेशर आ जाएगा जिसकी वजह से स्कूल को एक सही तरीके से एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। मतलब अगर स्कूल का प्लान होगा बच्चों को पास करने का या फिर इजी पेपर देने का, तो वो प्लान भी उनको चेंज करना पड़ेगा। मतलब बच्चों को बहुत लॉस हो जाएगा अगर शक्ति पांडे सर केस हार गए सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए शक्ति पांडे सर का कहना है कि मैं बच्चों को फ़ायदा नहीं करवा सकता, तो मैं नुकसान नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं बच्चों को यही कह रहा हूँ कि वेट करो, मैं इतना प्रिपेयर होकर जाऊँगा कि बच्चों को केस ना हारने दूँ। मैं वेट कर रहा हूँ 4 से 5 दिन, लगभग 1 वीक 10 दिन वेट करूँगा, बच्चों के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा, जितना हो पाएगा मैं वेट करूंगा, बेस्ट दूंगा अपनी तरफ से। अगर नहीं हो पाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बच्चों को बाहर रहते हुए भी कुछ फ़ायदे दे दूंगा। बट शक्ति पांडे सर का कहना है 4 से 5 दिन आप वेट करो, मैं प्लान कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, बच्चों की जितनी हेल्प हो सके वो कर रही है। तो गाइस, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दें कि शक्ति पांडे सर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, क्योंकि गाइस अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना आप सभी के लिए काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए गाइस वेट करना भी सही रहेगा। शक्ति पांडे सर अपने गाइड कर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी बार CBSE का केस लड़ चुके हैं, तो वो गाइड करें, तो उनकी गाइडेंस अपनों को प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ेगी। बाकी गाइस, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले बच्चों के काफ़ी सारे बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट भी इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रही है। तो गाइज, क्या पता आने वाले 4-5 दिनों में आप सभी की गवर्नमेंट ही ऑफिशियली कह दे कि आपके एग्जाम ऑनलाइन होने हैं, तो वेट करो। इसलिए बार बार कहा जा रहा है वेट करो, टेंस मत लो, हाई चांसेस ऑनलाइन एग्जाम होने की ही है। बाकी अपनी तरफ से बेस्ट स्टडी वगैरह करते रहो। अगर गाइज मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लास 9th और 11th के रिगार्डिंग, तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, PIL ऑन टाइम सुप्रीम कोर्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो शक्ति पांडे सर करेगी, लेकिन आपको फायदे के लिए, आपके नुकसान के लिए नहीं। तो गाइज, अगर ये वीडियो समझ आ गई तो अपने फ्रेंड्स वगैरह शेयर कर देना। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन तो मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो।